नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर में पुलिस कमिश्नर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पूर्वी टीम और क्राइम ब्रांच पुलिस ने जाजमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान कानपुर से उन्नाव जा रहे चार अंतर्राज्यीय वाहन चोर आकाश गौर, विशाल मिश्रा, शिवांशु, नितिन यादव को 10 मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल की चेचिस, 1 मोटरसाइकिल का इंजन व वाहन काटने के औजार सहित गिरफ्तार किया है। गुडवर्क करने वाली पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने देने की घोषणा की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में क्राइम ब्रांच से निरीक्षक अमित कुमार भड़ाना, उप निरीक्षक मोहम्मद आरिफ, जनार्दन सिंह यादव, राहुल कुमार, सुमित कुमार शर्मा, हेड कांस्टेबल शंकर सिंह, प्रदीप सिंह, प्रदीप कुमार हेड कांस्टेबल, सहवाज खान, रामजस चंदन, लवकुश मिश्रा, राहुल अग्रहरी, रोहित कुमार, जितेंद्र कुमार, मुस्ताक अहमद, अजीत कुमार, कृष्ण वीर, मनोज कुमार व थाना जाजमऊ से प्रभारी निरीक्षक रामबाबू, उपेक्षक प्रवीण कुमार, उप निरीक्षक अंकुश चौधरी, हेड कांस्टेबल नफीस, सुनील कुमार, कांस्टेबल धीरेंद्र कुमार, अजय मौजूद रहे। आइए जानते हैं शिवा GDCP क्राइम ने क्या कहा। कानपुर से कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ संवाददाता हामिद हुसैन की रिपोर्ट। कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसी सूचना मिली थी कि वाहन चोर इधर उन्नाव की ओर जा रहे हैं कानपुर की तरफ से, तो इस पर चेकिंग लगाई गई थी हमारे क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा और जाजमऊ पुलिस के द्वारा। तब तक दो लोग चोरी की वाहन लेकर आते हुए दिखाई दिए, उनको रोक करके चेक किया गया, वाहन के कागज़ मांगे गए तो कोई कागज उपलब्ध नहीं करा सके और वो बाद में बताए पूछताछ पर कि चोरी की है। इसके बाद उन लोगों ने बताया कि हम लोग कई जिलों में घूम करके वाच करते हैं, उसके बाद चोरियां करते हैं। ये उन्नाव में शुक्लागंज में रहते थे, वहां पर जा करके इन्होंने 8 और वाहन बरामद कराए, कुल 10 वाहन पकड़े गए, 3 चेसिस मिली हैं, कटी हुई मोटरसाइकिलें हैं, इसके अलावा काफ़ी पार्ट्स मोटरसाइकिल के बरामद हुए। और भी गए यही लोग हैं? नहीं, दो लोग और हैं इसमें, और इसके अलावा विवेचना में हो सकता है कुछ लोग और प्रकाश में आएँ। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास भी है, यहाँ अपने यहाँ पनकी से और कई जगह से जेल जा चुकी है। कहाँ पे थे चुरा गए? ये जैसे नई मोटरसाइकिल है तो कोई भी ग्राहक अगर आ गया तो उसको वही कमरे से ही दे देते थे, नहीं तो कमरे पर ही अपने मोटरसाइकिल कटवाने का काम करते। जो कार्ड के बेचते थे जो उसके वो कबाड़ी होते हैं उन्हीं को तो देते होंगे? नहीं, इसमें एक मिस्त्री भी है जो वाहन ठीक करता है, तो वो काफ़ी पार्ट्स तो खुद यूज़ कर लेता था और कुछ इधर उधर बेचते रहते। इनका सरगना कौन है सर? सर ऐसा कुछ ये गाड़ी कीमत कितनी, मतलब कितने तक बेचते थे? ये अलग अलग गाड़ी जैसे इसके ग्राहक मिल गए उस हिसाब से बेच लिया करते। जिले के बाहर बेचते थे या यही लोकल? नहीं, लोकल भी बेचते थे और बाहर की भी गाड़ियां हैं। 3 गाड़ी जो पकड़ी गई हैं, इसमें 3 गाड़ी तो लखनऊ की हैं, 6 गाड़ी अपने कानपुर की हैं, 1 उन्नाव की है। इन सब में इनका सरगना कौन है? ये दो लोग हैं, आकाश है और इसका भाई है। आकाश है और इसका भाई है जो कि फरार हो गया है, नहीं मिल पाया। सर क्या तरीका रहता था इनका चोरी का? चोरी ये देखते थे जहाँ भी मोटरसाइकिल खड़ी है और ऐसे ही कोई दिखा खाली पड़ी जगह पर है या कुछ, जैसे ही मौका लगा ये चोरी कर लेते थे। चोरी करते समय कोई मारपीट का भी कोई केस है इनके ऊपर? नहीं, मारपीट का नहीं। इसमें बाइक को क्या नाम है? सर एक तो मदद भी करा उसके बाद सर ये ऐसे आदमी की मदद तुम करी? अरे तो सर आप लोग के मदद करें, ऐसे लोग काम ये बताओ सर बाहर आ रहा हूँ कहाँ से आया था? ये हमने वाहन चोरी नहीं करे थे, जिसने चोरी करा उसके वाहन हमने खड़े कराए पकड़वाए। नाम क्या तुम्हारा? जी मोहनदास नाम है। कहाँ रहते हो? कहाँ रहने वाले हो? कलगंज। अजलगंज दर्शनपुर में ना? कलगंज। वैसे मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? बाहर आ जाओ, लेकिन अब देखो अब दोबारा किसी। अरे सर मदद की हमने, आप लोग की मदद की, हमने दूसरों गाड़ी उठा दिया। अब मतलब याद रखना, आप लोग सेम नहीं करेंगे।